आज मेरे पास बंगला है, बैंक बैलेंस है, नौकर चाकर है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। अबे माँ के बच्चे तुम लोग कर क्या रहे हो? अरे भैया, हमें कॉलेज से हिंदी सिनेमा के ऊपर प्रोजेक्ट मिला है, बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा भैया, प्लीज आप हमारी इसमें कुछ मदद करिए ना। अरे प्लीज। ओके, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और मैं तुम्हें आज सुनाता हूँ हिंदी सिनेमा की एक फिल्मी कहानी। सुनोगे? जी भैया, सुनते हैं। इसकी जीवन कथा एक पुण्य कथा है जिसके सुनने और सुनाने से आत्मा को शांति मिलती है। शांति तो हमें भी सुना दीजिए। रोल साउंड, रोलिंग, कैमरा रनिंग, क्लैप, 31/12 टेक 22, एक्शन। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ रीता। मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती राजन। तेरी ये मजाक। मगर पिताजी। चुप रह पिताजी की बच्ची। आज तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। नहीं, गोली से उड़ा दूंगा। कहानी शुरू करूं? जी भैया बिल्कुल। देखिए यार, उन दिनों मल्टीप्लेक्स का जमाना तो था नहीं। फिल्मों की कमाई का ना बस एक ही जरिया था कि गांव-गांव जाकर अपना सिनेमा दिखाओ और थोड़ा मुनाफा कमाओ, हैं? ये वो शुरुआती दौर था जो हमारे फिल्म निर्माता है ना, फिल्मों से होने वाली कमाई का ना पहला गणित सीख रहे थे। तो भैया फिर क्या हुआ? देख यार, हमारे निर्माताओं को लगा कि समाज में ना पाखंड और आडंबर जो है ना वो बहुत फैले हुए हैं। उन्होंने सोचा क्यों ना सामाजिक विषयों पर फिल्में बनाई जाएं और समाज को ना थोड़ा जागृत किया जाए। दौर शुरू हुआ सामाजिक विषयों पर बनने वाली फिल्मों का। तैने कस्तूरी के हाथ का खाना खाया है? ये खाना तो अच्छा बना लेती है मां। जो पूछती हूँ उसका जवाब दे। तैने इसके हाथ का खाना खाया या नहीं खाया? खाया तो है माँ। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? बामन का पूत हो कि इसके हाथ का खाता है? माँ गुस्से न हो, अब मैं इसे कभी न खाने दूंगी। वाह भैया वाह, क्या जमाना होता होगा। लोगों को साफ सुथरी फिल्में देखने का मौका मिलता होगा। अरे नहीं यार, अब क्या प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी कि निर्माताओं को ना थोड़ी टेंशन होने लग गई थी कि अगर हम इसी तरह समाज की बुराइयां दिखाते रहेंगे तो दर्शक कहीं भड़क ही ना जाए और हो सकता है सिनेमा घर ही तोड़ दे।
पिक्चर दी है। कैसी पिक्चर दी है? पैसा इसे ना मिलना चाहिए। उत्तरी फिर क्या हुआ भैया? देखिए यार, हर निर्माता ये चाहता था कि उसका ना ऐसा बुरा हाल ना हो। मालूम है निर्माताओं ने फिर क्या किया? क्या किया भैया? एक मीटिंग बुलाई और जितने भी निर्देशक जो थे सामाजिक विषय वाली फिल्में बनाते थे ना, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। मैं जानता हूँ आपको 5-7 लाख का नुकसान हुआ है, आप फिक्र न करें, मेरी अगली पिक्चर में आप इससे भी ज्यादा कमा लेंगे। जरूर कमाएंगे, इस बात का हमने पूरा इंतजाम कर लिया। इतनी जल्दी? अभी तक तो मैंने कोई कहानी भी तय। आप फिक्र न कीजिए जनाब, मैंने कहानी तैयार कर ली है। तो फिर कभी सुनाइए, पहले वो मुझे पसंद। तुम्हारे पसंद करने की जरूरत नहीं, जो कुछ भी तुम्हें लिख कर दिया जाएगा तुम्हें वही शूट करना होगा। एक लफ्ज भी नहीं बदल सकोगे, एक लफ्ज। क्या? जी हाँ, गाने, म्यूजिक, किसी भी चीज में तुम्हारा दखल नहीं रहेगा। सारा इंतजाम हम खुद करेंगे, खुद। हाँ, आप मुझे इस तरह जलील करके पिक्चर नहीं बनवा सकते। सारा इंतजाम खुद करना है तो फिर पिक्चर भी किसी और से बनवा लीजिए। वो इंतजाम भी कर लिया है हमने, दरअसल तुम अब हमारी पिक्चरें बनाने के काबिल ही नहीं रहे। क्या कहा? क्या कहा आपने? मैं पिक्चर बनाने के काबिल नहीं रहा। एक मिनट भैया, इतनी अच्छी सिनेमा को बाहर का रास्ता दिखा दिया तो भैया फिर वो सिनेमा कहाँ चला गया? गुड क्वेश्चन, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। लेकिन जब इतने अच्छे सिनेमा को बाहर का रास्ता दिखाया गया ना, तो वो चला गया अपनी एक अलग ही दुनिया में। देखिए यार, मुनाफे का बाजार जो था ना वो एकदम साफ था, लेकिन कमी थी एक उम्दा सब्जेक्ट की जो दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच कर लाए। किसी ने सुझाया कि लव स्टोरीज बनाते हैं, लैला मजनू, हीर रांझा, ये कभी आइडिया फ्लॉप नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर एक कमी थी, पूछो क्या? क्या? लव स्टोरी का बैकग्राउंड कहाँ सेट करें? शुरुआत हुई जंगलों से। देखो काजल, अब मैं कैसे दिखाई देती हूँ? राजा, राजा, जंगल की लव स्टोरी, वाओ। लेकिन जंगल की लव स्टोरी में ना एक सबसे बड़ी दिक्कत थी, पूछो क्या? क्या? हमारे जंगली हीरो के लिए ना प्यार का मतलब ना बस एक ही चीज होता था। कार्तन, ये क्या करता है? बदमाश कहीं का। देखो मैं मारूंगी। कार्तन, तुम बिल्कुल जंगली हो। ये एक स्त्री के साथ कैसा बर्ताव करना, ये तुम्हें सीखना चाहिए। अच्छा, ये बात है? लेकिन भैया, हमारी आजकल की लव स्टोरी तो जंगल की होती नहीं है। अरे मेरी कहानी अभी खत्म कहाँ हुई है? जब ये जंगलों की लव स्टोरी का आइडिया थोड़ा चला नहीं ना, तो हमारे निर्माताओं ने रुक किया जंगलों से गांव की ओर। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार तू इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी,
अब गुल मेरे भुला देना मुझे आज की विदाता मुझे आज की विदाता मर के भी रहता इंतजार मेरे साजन है उस पार मैं मन मार तू इस पार ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार मेरे साजन है उस पार।